गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रियासत के साबिक वजीर आला दिगंबर कामत और असेंबली में अपोजिशन लीडर माइकल लोबो समेत 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गोवा कांग्रेस के लेजिस्लेचर ने मीटिंग की और बीजेपी में जाने का अहदनामा पास किया। इससे पहले बीजेपी गोवा के सदर सदानंद तनावड़े ने इसका दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 8 एमएलए जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल गोवा में 40 असेंबली सीटें हैं और इस साल फरवरी में ही इलेक्शन हुए थे। रियासत में बीजेपी इत्तेहाद के पास 25 एमएलए हैं तो वहीं कांग्रेस के पास 11 एमएलए हैं, जिनमें से अब बीजेपी ने दावा करते हुए ये कह दिया है कि 11 में से 8 बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले 8 अरकान असेंबली दिगंबर कामत, माइकल लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमनोकर, एल सिक्वेरा, रोडोलिफ फर्नांडिस बताए जा रहे हैं। हमें शुरुआत एक सांगितले जन्ना मका पक्षान लीडर ऑफ ऑपोजिशन हजेवेल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेर हमें सांगितले की काँग्रेस पार्टी भितर जे किते चलना ते बरोबर नहीं। आनी मागीर गुलाम नबी आजाद जेन्ना पळय रिझायन झालो ताणें जें लॅटर केलें तें लॅटर जर कोणें वाचून पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान तुमकां कन्क्लुजन्स ड्रॉ करपाक मेळटलें। ताणें जर स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचें काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय। काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आणि भारतीय जनता पार्टी को जोडो आणि ही जोडटाना आम्ही इतलोच उद्देश दिता लोकांक की प्राइम मिनिस्टर जो आमचो आहा नरेंद्रजी मोदी त्याचे विजन जे आहा आम्ही फुडें व्हरपाक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा कांग्रेस के एमएलए के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के नाम पर मुल्क भर में करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीद रही है, ये गलत है। ये तो पूरे देश में ही हो रहा है कि कांग्रेस अपने एमएलए को बचा नहीं पा रही है। देखो दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलए को खरीद रही है, जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था, अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं, हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच। कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी, फिर तो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से अगर एमएलए खरीद खरीद के डरा